Hi, I am Sayed Rashid. You are watching Ahle Bait High School and Junior College YouTube channel. Welcome to my video to all students as well as viewers. Here I am taking care physics chemistry for higher classes. Now we are going to learn like class 9th physics chemistry chapter number 6 is matter pure. So in today's topic we will going to learn some separation techniques. The separation technique means how we can सेपरेट दी मिक्सचर्स और सॉल्यूशन. तो जैसा कि आप जानते हैं ऑल स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो सेपरेट करने की टेक्निक को पढ़ने जा रहे हैं. जैसा कि अगर हम सॉइल और वाटर मिक्स हो गया है तो उसको सेपरेट कैसा किया जाए, वैसे अलग अलग सेपरेशन टेक्निक्स हम देखेंगे. तो फर्स्ट टेक्निक है हमारी सब्लिमेशन, सेपरेशन ऑफ कॉम्पोनेंट बाई द मिक्सचर ऑफ सब्लिमेशन. सब्लिमेशन कहते किसे है? सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं डायरेक्ट सॉलिड से लेके गैस में फॉर्म हो जाएंगे, और गैस में रहेंगे तो वो सॉलिड में फॉर्म हो जाएंगे, वाइस वर्सा. तो सब्लिमेशन आपको वन मार्क्स में पूछ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच अ कंपाउंड्स डायरेक्टली चेंजेस इट फेस फ्रॉम सॉलिड टू गैस और फ्रॉम गैस टू सॉलिड. होप यू अंडरस्टैंड. आपको ये डेफिनेशन लिख लेना है तो आप समझ गए ना. तो सब्लिमेशन, तो देखिए अब यहाँ पे सब्लिमेशन में हम क्या क्या कर रहे हैं. देखिए, एक हम कुछ एक अपैरेटर सेट कर ले रहे हैं, यानी कि एक अपैरेटर सेट कर रहे हैं जिसके अंदर हम एक यानी कि कुछ चीज़ें लेना चाहिए हमको. एक रहेगा हमारा बर्नस, और एक एक रहेगा एक चीनी डिक्स रहेगा, और एक हमारे पास मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट रहेगा. फिर उसके ऊपर हम एक क्लोज फनल को लगा के एक कॉटन को हम उसके अंदर लगा देंगे. जैसा मैं थोड़ा सा एक रफली डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ आपको. ये हमारा जो बंसर बर्नर वॉट एवर इट में भी, ठीक है, ये हमारा टेबल हो गया. यहाँ पे आप हम एक डिश ले लिए, ठीक है, डिश ले लेके उसके अंदर क्या करें हम मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड. अब मेरे को पूरा लिखने हाथ नहीं हो रहा तो मैं सीधा फॉर्मूले लिख रहा हूँ. एंड कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट, ये मिक्सचर हम ले लिए, ले लेके क्लोज फनल, फनल से इसको क्लोज कर दिए. क्लोज करने के बाद व्हाट वी हैव डूइंग, वी आर जस्ट पुटिंग द कॉटन ऑन दी लाइक ओपनिंग ऑफ दी फनल. फनल का जो ओपनिंग का जो हिस्सा है वो हम कॉटन रख दिए. तो मैं थोड़ा सा लेबलिंग करूँगा, ये कॉटन है हमारे पास, और साथ ही साथ ये हमारा इन्वर्ट फनल है, यानी कि उल्टा वाला फनल है, और इसके अंदर ये तो मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड साल्ट है. तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक खुद डायग्राम फेयरली भी लगाता हूँ कुछ सेकंड के लिए, ताकि आप वो डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए. सबसे पहले आज की क्लास में अपना क्या करना, सब्लिमेशन लिख के एक्टिविटी नंबर 6 सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर बाय सब्लिमेशन. नीचे लिखना सब्लिमेशन इज नथिंग बट द प्रोसेस इन विच द कंपाउंड्स डायरेक्टली चेंजेस इट्स सॉलिड फेस टू द गैस फेस और गैस फेस टू द सॉलिड फेस. लिखने के बाद ये डायग्राम जो फेयर मैं आपको लगाया हूँ अभी, लग गया डायग्राम, ये डायग्राम उतारना, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है. ये डायग्राम उतारने के बाद कुछ पॉइंट्स रहेंगे, आई विल एक्सप्लेन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, सो दैट इट विल रियली हेल्पफुल टू यू. यू हैव टू गो थ्रू एज पर माई इंस्ट्रक्शन. हटाऊ डायग्राम को, चलो हट गया. तो अब आपने डायग्राम लिख दिया, अब मैं आपको कुछ चीज़ें डिक्टेट कर रहा हूँ, वो आपको लिखना होगा. फर्स्ट यू हैव टू राइट लाइक एम, ठीक है, टू शो द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन. अपैरेटर्स, इन अपैरेटर्स वॉट वी हैव टू राइट लाइक द थिंग विच यू वी हैव यूज. क्या क्या हमने यूज़ किया था, एक चाइना डिश था, एक फनल था, कॉटन, और हमारे पास क्या है, अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड, बंसर बर्नर. ये अपैरेटर्स में साइड हेडिंग लिखिए. उसके बाद नेक्स्ट है प्रोसीजर. प्रोसीजर में आप क्या लिखिए, टेक अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड एंड पुट इट इन द चाइना डिश. जो डिश है उसके अंदर हमने डाल दिए, पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू, टेक अ ग्लास फनल विच इज़ बिग इनफ टू कवर द चाइना डिश. यानी चाइना डिश को कवर करने के लिए एक अच्छा बड़ा सा ग्लास का फनल लीजिए, ठीक है. प्लग द माउथ ऑफ द फनल विथ कॉटन. कॉटन से उसको क्या करिए, प्लग कर दीजिए उसके माउथ को. इन्वर्ट इट ओवर द डिश एज शोन इन द फिगर. उसको क्या है, उल्टा रख दिए डिश पे, जैसा कि आपको फिगर में बताया जा रहा. उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, देखिए, कीप द डिश ऑन स्टैंड ऑफ स्टोव एंड हीट फॉर सम टाइम एंड ऑब्जर्व द वॉल्स ऑफ द फनल. जो भी मैं पॉइंट बोला था कि अब उसको, ये जो डिश है इसको हम स्टैंड पे रखेंगे, रखने के बाद क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा फायर यानी कि हीट करेंगे. हीट करने के बाद
फनल के जो बाउंड्रीज होते हैं उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो आप ऑब्जर्वेशन में क्या लिखना, देखिए, अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन डाल के लिखिए कि वी ऑब्जर्व इनिशियली द वेपर ऑफ अमोनियम क्लोराइड। पहले क्या होता है, यहाँ पे एक अमोनियम क्लोराइड के जैसा वेपर होता एंड देन सॉलिडिफाई अमोनियम क्लोराइड ऑन द वॉल्स ऑफ द फनल। जैसा ही जो वेपर स्टार्टिंग में फ्यू सेकेंड्स हम आपको वेपर दिखेगा, वेपर के बाद सॉलिड क्रिस्टल्स नजर आते कहाँ पे, ऑन द वॉल्स ऑफ द फनल। उसके बाद ऑब्जर्वेशन क्या था, आप डायरेक्ट रिजल्ट लिख लीजिए। रिजल्ट में क्या लिखें, फ्रॉम द रिजल्ट में आप लिखिए हेंस सब्लिमेशन प्रोसेस डन सक्सेसफुली। तो आपको क्या कैसा करना है, देखिए फिर से मैं खुद एक पैटर्न जैसा बता देता हूँ। होप द पार्ट इज कम्फर्ट हियर ओनली, वन सेकेंड बता दूंगा। एम लिखना है आपको, ठीक है। एम में आप क्या लिखेंगे, जो आपकी हेडिंग है वही लिख लेंगे। अपैरेटस नेक्स्ट साइड हेडिंग आप बनाएंगे, ए पी पी ए आर ए टी यू एस। अपैरेटस में आपको जो चीज़ें हमको लगे, जैसा इन फनल है, कॉटन है, अमोनियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, स्टैंड है, और ये जो बंसर बर्नल है वो लिख लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, डायग्राम उतारेंगे। आप डायग्राम आप अपैरेटर से पहले उतारिए या अपैरेटर के बाद उतारिए, इट इज़ अप टू यू। डायग्राम के बाद आप क्या करना है, प्रोसीजर बल्कि एक साइड हेडिंग बनाना है। प्रोसीजर में जो मैंने हल पॉइंट्स बताए थे वो पॉइंट्स आपको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाना है आपको ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन एक हेडिंग बनाइए, फिर उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन मैंने बोला था वो लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट साइड हेडिंग बनाइए रिजल्ट। रिजल्ट में भी आप जो मैं रिजल्ट बोला, हेंस सब्लिमेशन प्रोसेस शुड। तो इस तरीके से ये कंप्लीट एक्सपेरिमेंट हो गया। तो आपको समझने आ गया होगा, इसमें है कुछ नहीं, खाली हम जैसा इसको हीट करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड पहले वेपर्स दिखेगा वॉल्स पे, किसके, फनल के वॉल्स पे, फ्यू सेकंड्स में फिर वो वेपर डायरेक्ट सॉलिडिफाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट्स, ये है आपका सब्लिमेशन प्रोसेस। वन सेकेंड मैं क्या करूँगा मालूम, एक ये फेयर आंसर आपके स्क्रीन पे लगा देता हूँ, ठीक है। नाउ द टाइम टू सी द आंसर ऑन योर स्क्रीन। होप यू हैव सॉ द आंसर विद डायग्राम। मैंने इस आंसर में डायग्राम भी लगा दिया था, तो आप अच्छे से ये आंसर को लिखिए। आप एक से दो मरतबा रीड करेंगे, आप खुद को समझने आ जाता। नीड नॉट टू मल्टीफाई और रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी मगब की ज़रूरत नहीं है। एक से दो खुद आप स्टडी करेंगे तो आप खुद ऑन से लिख ले सकते। नाउ वी आर मूविंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन किसे कहते हैं, ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, आपको तो पता ही होना चाहिए। कौन सी भी चीज़ अगर उड़ी, जैसा पानी को हम पकाएंगे तो पानी भाप बन के, यानी कि भाप की शक्ल, वाटर वेपर की शक्ल में उड़ जाता, उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। तो इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर को इवेपोरेट करेंगे। सेम, पहले हम इवेपोरेशन का डेफिनेशन समझ लेंगे। इवेपोरेशन के लिए आप क्या करिए, मैं थोड़ा सा स्लोली डेफिनेशन बोलता हूँ, आप वो डेफिनेशन नोट कर लीजिए। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस चेंजेस इट्स लिक्विड फेस टू दी गैशियस। आ रहा समझ नहीं, इसमें इवेपोरेशन थोड़ा सा ब्लू मार्कर से यहाँ पे लिखा देंगे। इवेपोरेशन इज नथिंग बट एल आई क्यू यू आई डी, लिक्विड फेस से क्या हो रहा होने, सॉलिड की तरफ, नॉट सॉलिड, लिक्विड फेस की तरफ से गैस की तरफ जा रहा होने, तो इसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। वेरस अगर वो गैस फेस की तरफ से लिक्विड को चला जाएगा ना, वो एक अलग प्रोसेस रहता है, उसको कंडेंसेशन कहते हैं। यहाँ पे जैसा आप सब्लिमेशन में आपने देखा था, सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड गया तो सब्लिमेशन ही हुआ था, लेकिन यहाँ पे इवेपोरेशन में ख्याल रहे कि वो जो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड टू गैस जा रहा ना, उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहेंगे। वेरस अगर वो गैस से लिक्विड की तरफ गया तो वो एक अलग नाम है उसका, उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। वो भी मैं खुद यहाँ पे लिखा देता हूँ, अगर गैस से अगर वो लिक्विड की तरफ जा रहा है तो उसका नाम रहता है कंडेंसेशन। ये एक अलग प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस जैसा कि आपके बादल के अंदर जो पानी के ड्रॉपलेट्स जमा होते हैं पूरा लिक्विड बन के नीचे रेनफॉल के जैसा उतरते, इस तरीके से रहता है। तो देखिए, अब आप इवेपोरेशन किसे कहते हैं समझ नहीं आ गया, आप डेफिनेशन भी ऑन से लिख सकते हैं। द प्रोसेस इन विच कंपाउंड चेंजेस इट्स फेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन के लिए हम सेम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे एम लिख लेंगे। हम एम में लिखेंगे प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। अपैरेटस में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है हमारे पास, जैसा कि अब हम आपको एक
बीकर चाहिए। बीकर इज़ नथिंग बट एक हमारे पास ग्लास लाइक एक स्ट्रक्चर रहता है, उसके नीचे एक स्टैंड चाहिए एज यूजल, उसके नीचे एक बंसर बर्नर होना पड़ेगा हमारे को। तो अब यहाँ पे उसके अंदर हम पानी वाटर को फिल कर देंगे, पूरा वाटर है ये, ठीक है, ये बीकर है BEAKER। यहाँ पे एक हम एक डिक्स के जैसा रख के उसके ऊपर क्या करेंगे, इंक रखेंगे, ठीक है, INK इंक, आप कौन सी भी कलर का रख सकते हैं। अब ये कैसा कर रहे हैं देखिए, एम लिख लिया आपने, अपैरेटर्स में आप कुछ चीज़ें, ये एक काम करता हूँ मैं पहले समझा देता हूँ, उसके बाद स्क्रीन पे ये आंसर लगा देता हूँ ताकि वो आप आंसर लिख लीजिए। ओके, तो एम हो गया, अपैरेटर्स, ये चीज़ों की ज़रूरत है। नाउ द कमिंग टू द डायग्राम, डायग्राम तो मैं आगे थोड़ा सा फिर आंसर के साथ लगा देता हूँ, नीड नॉट टू वरी। अब है प्रोसीजर, प्रोसीजर की बात करेंगे। टेक अ बीकर एंड फिल इट टू हाफ इट वॉल्यूम विथ वाटर, कीप ए वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर एज शोन इन द फिगर 10, पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास, हीट द बीकर एंड ऑब्जर्व द वॉच ग्लास कंटिन्यू हीटिंग टिल यू डू नॉट ऑब्जर्व एनी फर्दर चेंज ऑन द वॉच ग्लास। मतलब क्या है, हमने एक बीकर के अंदर पानी, पानी के ऊपर एक वॉच ग्लास इज नथिंग बट एक वही, मतलब एक ग्लास के जैसा, ग्लास प्लेट के जैसा रहेगा, वो रख रहे हैं, उसके ऊपर इंक रख रहे हैं। अब उसको कंटिन्यू क्या करिए, पकाते जाइए, कब तक, जब तक के आपको कुछ चेंजेस नहीं दिखा उसमें। वॉट इज इवाप्रेटेड फ्रॉम द वॉच ग्लास, इज देर एनी रेसिड्यूस ऑन द वॉच ग्लास, वी नो दैट इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाइस इन वाटर, वी कैन सेपरेट द कॉम्पोनेंट इन द इंक यूजिंग इवेपरेशन। यहाँ पे होता क्या है, ये जो इंक जो लिक्विड फॉर्म में रहता था ना, लिक्विड फॉर्म चले जाएगा, जाके आपको एक सॉलिड यानी कि विस्कस लिक्विड जैसा दिखेगा, और थोड़ी देर के बाद तो उसके रेसिडियस यानी छोटे 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 क्रिस्टल्स जैसे दिख जाएंगे। तो इससे हम क्या करें, ये इवेपरेशन करें, क्या इवेपरेशन करें, जो इंक के अंदर जो वाटर प्रेजेंट था उसको इवेपरेट कर दिए। तो ऑब्जर्वेशन में क्या है, वी ऑब्जर्व द रेसिडियस ऑफ द इंक, और रिजल्ट में वी डन द इवेपरेशन सक्सेसफुली, बल्कि ऐसा लिख सकते। अब लिखने का टेंशन मत लियो, आ लो स्क्रीन पे आंसर लियो, एक जल्दी लियो, एक आंसर लियो। सो होप यू हैव सॉ द आंसर रिलेटेड टू द इवेपरेशन, मेक श्योर राइट दिस आंसर एंड लर्न ऑल्सो। ये आंसर आपने देख लिया होगा, आप इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए। वंस अगेन आई वॉन्ट टू रिपीट, नीड नॉट टू बट्टीफाई, आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा एक से दो खुद पढ़िए, आपको समझ नहीं आता। नेक्स्ट है पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर इसको क्रोमो, हियर H इज साइलेंट, तो इसको हम क्रोमेटोग्राफ पढ़ेंगे या क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे। तो क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं, ये भी एक टेक्निक है जो सेपरेट करती है, यूजुअली सेपरेट किसको करेंगे, पिगमेंट्स यानी कलर्स को सेपरेट करते हैं, यानी कि अलग अलग कलर्स को इससे सेपरेट करते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी मैं आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, आपको खुद से करना है, ये लैब एक्टिविटी है, तो आप अपने स्क्रीन पे देखिए, लिख लेके आप इसको पढ़ लीजिए। ओके, नाउ द टाइम टू सी ऑन योर स्क्रीन। So this lab activity, this activity you can do at your home itself. This is not a much bigger task. ये कोई बड़ा task नहीं है, आप सिर्फ एक beaker के अंदर water को रखिए, water को रख के जो आपका pencil है ना, pencil से कोई filter paper को roll करके, उसका जो filter paper का जो last का हिस्सा है उसमें thick ink का mark लगा के आप खुद ये अपने घर पर कर सकते, ये lab activity जो मैं आपको बताया हूँ, यानी कि ये आपको लिख लेना भी है, पढ़ लेना भी है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि आप अपना घर पे भी ट्राई करिए इस एक्टिविटी को। नाउ अब हम थोड़ा और एक स्टेप आगे बढ़ रहे, वी आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड वन स्टेप। नाउ वी आर ऑन एक्टिविटी नंबर 8 एंड इन दिस वी विल गोइंग टू सेपरेट सेपरेशन ऑफ इनमिस्क्रेबल लिक्विड्स। व्हाट इज इनमिस्क्रेबल लिक्विड्स, मींस वी हैव लाइक इफ वाटर एंड ऑयल बोथ मिक्स, व्हाट वी विल डू, समझिए पानी और तेल दोनों ही मिल गया तो हम क्या करेंगे वैसी सूरत में। सो वी हैव टू कीप द कंटेनर अनडिस्टर्ब फॉर फ्यू मिनट्स, थोड़ी देर के लिए हम अनडिस्टर्ब रख देंगे कंटेनर को, तो होगा क्या, जो लाइटर कंपाउंड है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, जो कंपाउंड यानी कि हैवियर है वो नीचे की तरफ जाएगा, उस हिसाब से हम सेपरेट करते हैं। तो अब हम ये खुद देख लेंगे किस तरीके से सेपरेशन टेक्निक वर्क यानी कि काम करती है। यू मस्ट हैव seen a mixture of oil and water, how many layers do you observe, how do you separate the two components, जैसा कि मैं अभी हिंदी में बोला था वही है कि जब वाटर और हम
ऑयल को मिक्स करेंगे तो दो डिफरेंट लेयर्स बन जाएंगे, जिसमें लाइटर वाला नीचे, नॉट नीचे, ऊपर की तरफ आएगा, हेवियर वाला नीचे की तरफ। टेक ए सेपरेटिंग फनल एंड पोर द मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड वाटर इन इट। लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम सो दैट सेपरेट लेयर ऑफ ऑयल एंड वाटर आर फॉर्म। ओपन द स्टॉप क्लॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एंड पोर आउट द लोअर लेयर वाटर केयरफुली। क्लोज द स्टॉप क्लॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एज द ऑयल रीचेस द स्टॉप क्लॉक। लुक एट दिस डायग्राम, ये डायग्राम आप देखिए, ये डायग्राम में आप देख रहे हैं कि उसके जो नीचे का पार्ट है उसको हम स्टॉप क्लॉक कहते हैं, STOPCOCK। तो अब ये जो है ना कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब है वाटर एंड केरोसिन। तो अब उसके बाद क्या करिए, आप नीचे की तरफ से बिल्कुल स्लोली ओपन करिए इसका स्टॉप कॉक को। ओपन करने पे आपको क्या होगा, जो यानी कि सब जो नीचे का सब्सटेंस है यानी लेयर ऑफ वाटर है वो हल्लू से निकल जाएगी। निकलने के बाद आप जो है आपका स्टॉप कॉक क्लोज कर ले सकते जब सेकेंड लेयर स्टार्ट हो रही है। तो ये एक सेपरेटिंग टेक्निक है, और इसको लिखने के लिए अभी मैं डायग्राम हटा रहा हूँ, इसको लिखने के लिए सेम आपको यानी कि प्रोसीजर फॉलो अप करिए। जैसा कि एम लिख लीजिए, टू शो द सेपरेशन ऑफ इनमिसकेबल लिक्विड अपैरेटस में आपको क्या क्या यूज हो रहा है, वाटर केरोसिन, ओके, लाइक फनल, फनल के साथ उसका स्टॉप कॉक है जो ओपनिंग था, स्टॉप कॉक यूज हो रहा, ये तीन चार चीज़ें यूज हो रही। फिर उसके बाद आप डायग्राम डालिए जो मैं भी आपको वो कर रहा था। प्रोसीजर में आप लिखिए कि कीप द वाटर एंड केरोसिन इन अ फनल अनडिस्टर्ब फॉर फ्यू टाइम, यानी कि फ्यू सम टाइम, थोड़े देर के लिए। उसके बाद नाउ वी कैन सेपरेट द वाटर बाई ओपनिंग द स्टॉप कॉक, जो उसका स्टॉप कॉक है वो ओपन करते हुए सेपरेट कर सकते। रिजल्ट में आप लिख ऑब्जर्वेशन, इसमें ऐसा ऑब्जर्वेशन ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते कि सेपरेशन ऑफ इनविस्केबल लिक्विड डन सक्सेसफुली। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन किसे कहते हैं, पहले आपको प्रोसेस मालूम होना चाहिए डिस्टिलेशन क्या है। डिस्टिलेशन किसको कहते हैं, यानी कि उसके लिए मैं थोड़ा सा रीड कर लेता हूँ। डिस्टिलेशन के लिए दो एक यानी कि ये एक कंप्लीट आंसर है, ये मैं आपके स्क्रीन पे लगाता हूँ, उसका डिस्टिलेशन किसे कहते हैं और ये डिस्टिलेशन होता क्या है, ये आप एक मरतबा पढ़ने पे आपको खुद को समझने आ जाता। तो नाउ द टाइम टू सी द आंसर ऑफ डिस्टिलेशन ऑन योर स्क्रीन। सो दिस प्रोसेस सेपरेशन ऑफ टू मिसकेबल लिक्विड बाई डिस्टिलेशन, होप यू हैव सॉ ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे आपने देख लिया होगा। तो आप ये थोड़ा सा एक से दो मरतबा रीड करने पे आपको ये आंसर भी समझने आ जाएगा। नाउ आई एम प्लेसिंग वन मोर आंसर ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पे और एक आंसर लगा रहा हूँ। द आंसर इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है, तो वो आंसर भी आपको लिख लेना है और साथ ही साथ उसको पढ़ना है। ओके, नाउ सी द स्क्रीन। होप यू हैव सॉ द आंसर, मेक श्योर राइट दिस आंसर एंड लर्न ऑल्सो। सो आवर टूडेज सेशन आई वॉन्ट टू एंड हियर इट सेल्फ, आज का सेशन में यहाँ पे ही रोकना चाहूँगा। बट बिफोर स्टॉपिंग दिस सेशन आई वुड लाइक टू रिवाइज दिस सेशन। इन दिस सेशन यू माइट हैव फाउंड मोर इमेजेस ऑन योर स्क्रीन एंड फ्यू आंसर्स ऑन योर स्क्रीन। आज का जो सेशन है उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, आपको सब्लिमेशन और उसकी एक्टिविटी पूरी लर्न करनी है, मालूम करना है। इवेपरेशन और उसकी एक्टिविटी पे आपको वर्क काम करना है। पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में पूरा पढ़ना है। सेपरेशन ऑफ इनमिसकेबल लिक्विड के बारे में आपको मैं डिक्टेट कर दिया था ये आंसर, तो आप खाली डिक्टेट से ही समझ के लिख लीजिए। उसका डेस्टिलेशन मैंने स्क्रीन पे लगाया था, इसको आपको पढ़ना है। साथ ही साथ डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, इतने आंसर आज के ये सेशन में पढ़ना है, ये पार्ट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको शायद थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा इस हिस्से को हमारे लेसन के। आप थोड़ा मेहनत करिए, आपको समझने आएगा। साथ ही साथ कुछ और चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे हमारा लेसन इज मैटर प्योर कंप्लीट हो गया है। आगे आपको कुछ सेपरेशन टेक्निक्स रहते, वो सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में मैं थोड़ा सा वर्बली बोलते हुए ख़त्म करना चाहूँगा। नेक्स्ट हमारे पास सेपरेशन टेक्निक रहती कि अगरचे के दो गैसेस है, उन लोगों का जो
बॉइलिंग पॉइंट है नियरली सेम है, तो उसको कैसा सेपरेट करेंगे? तो डिस्टिलेशन के बाद और एक एक रहता है हमारे पास, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसके बारे में भी हमारे रीडर में आगे दिया हुआ है, वो भी आप एक खुद रीडर खोल के देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ कुछ और यानी कि कंपाउंड्स है, उसको कैसा अलग कर सकते हैं, अगर चेके ऑक्सीजन को अलग करना है सल्फर डाइऑक्साइड में से, किस तरीके से अलग किया जाता, ये पूरे और एक दो टेक्निक्स हमारे रीडर में है, वो एक मरतबा आप रीडर से पढ़े तो आपको खुद समझने आ जाएगा। आज का जो टॉपिक है बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, आपको बहुत मेहनत करना है इसके ऊपर, इससे हमारा लेसन पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो अब लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट अगर थीम्स की बात की जाए, तो इसमें हमने शुरुआत तो की थी कि यानी इस मैटर प्योर में हम कुछ यानी मैटर्स से रिलेटेड स्टडी कर रहे थे, जिसमें से आपको स्टार्टिंग में आपको मिक्सचर के बारे में आया कि होमोजीनियस हेटरोजीनियस मिक्सचर रहता, फिर आगे सॉल्यूशंस के बारे में आया, फिर सॉल्यूशंस के बाद आपको सस्पेंशन एंड कोलाइड का जो डिफरेंसेस है वो क्या है, पूरा उसमें टिंडल इफेक्ट आया है आपको, साथ ही साथ सेपरेशन टेक्निक्स आपको बहुत सारे आए हैं। आप बहुत अच्छा मेहनत करिए ये लेसन पे ताकि आपको ये चीज़ समझने है। एंड दिस इज़ 9th क्लास फिजिक्स। इन दिस फिजिक्स वी हैव मेनी टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू द थिंग विच वी विल नॉट कम अक्रॉस येट। मतलब क्या है, ऐसे ऐसे चीज़ें हैं ये फिजिक्स में, आज तक 9th क्लास के बच्चे अपनी लाइफ में पहले कभी भी वो चीज़ों को नहीं पढ़े होंगे, तो उसके लिए उनको एक से दो खुद मेहनत करना पड़ता, एक से दो खुद पढ़िए, एक से दो खुद लेक्चर सुनिए। ये एक ह्यूमन काइंड है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर बच्चा नर्सरी में अगर रहा तो डायरेक्ट ए से लेकर जेड तक उन्हें याद नहीं कर सकता, ही और शी हैव टू रिपीटेडली स्टडी स्टडी स्टडी, लिसन एंड स्टडी, तो ही वो कर सकते। तो ये 9th क्लास की फिजिक्स भी ऐसे ही है कि कई सारे थिंग्स आपको न्यूली इंट्रोड्यूस किए गए हैं इस मैटर प्योर के बारे में किया। ग्रेविटेशन के बारे में शायद आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। रिफ्रैक्शन, अब तक आप ना 7th और 8th क्लास में रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़े थे, रिफ्रैक्शन के बारे में आप पढ़ रहे थे। साथ ही साथ लॉस ऑफ मोशन, मोशन के स्टार्टिंग में खाली 7th में 6th में रहने आप खाली ट्रांसलेटरी मोशन किसे कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन किसे कहते हैं, ऐसा बेसिक पढ़ रहे थे। लेकिन अब आपको इक्वेशंस ऑफ मोशंस लगा दिया गया है 9th की फिजिक्स में, तो ये जो 9th की फिजिक्स है अगर इस पर आप काम कर लिए तो आप फिजिक्स का आगे की स्टडी बहुत अच्छे से कर सकते। जैसा 10th है, दोज वो आर लुकिंग टू टेक MPC और BPSC नहीं और इंटरमीडिएट, वो लोगों के लिए भी ये 9th की फिजिक्स बहुत बहुत हेल्पफुल है, मददगार है। तो अब आप चाहिए कि इस पर थोड़ा ट्राई कीजिए, अच्छे से अच्छा पढ़िए। सो वी विल गोइंग टू कंटिन्यू दिस फिजिक्स इन आवर नेक्स्ट सेशंस। टिल देन मेक श्योर कीप काम, अपने आप को थोड़ा सा कूल रखिए, सब्र के साथ अच्छे से पढ़िए आज का सेशन। वंस अगेन आई एम टेलिंग इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू वर्क हार्ड ऑन दिस सेशन। इस सेशन पे बहुत वर्क हार्ड करना है आपको, ओके। मेंटेन नोट्स, हैव ए ग्रेट टाइम, टेक केयर। आई एम सैयद राशिद, यू आर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल नेम एस अहले बैत हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। थैंक यू।